हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो चलिए आज हम आपको लेके चलते हैं जयपुर के जंतर मंतर। लेते दो नहीं, ये है जंतर मंतर पैलेस। ये यहाँ हम लोग जयपुर में घूमने आए थे, तो पूरा वीडियो देखने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और ये देखो कैसे मेरी कैप लेके लगा के घूम रहा है। धूप नहीं लग रही ना? धूप बढ़िया लग रहा है। पहले यहाँ पे ऐसे राजा महाराजा जो थे ना, उन्होंने ये बनवाया था और इसमें टाइम देखा करते थे कि कितना टाइम हो गया है। तो पूरा ऐसे बना रखा था, जब सूरज की किरणें पड़ती थी इस पे तो ये अपने आप ही उसमें उन लोगों को टाइम पता चल जाता था कि इतना टाइम हो गया है या इतना टाइम हो गया है। उस टाइम पे घड़ी वगैरह नहीं हुआ करती थी जब उन्होंने बनवाया होगा इसको। काफी बड़ा था और सुंदर भी था काफी। दिल्ली में छोटा सा ही है, दिल्ली में भी जंतर मंतर है और यहाँ काफी बड़ा था। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को पूरा देखने के लिए लास्ट तक। ये देखो ये पूरा वो स्केल जैसा बना रखा था और हम जा रहे हैं अंदर उसके देखने के लिए। तो छोटा सा उसमें एक पूरा सिस्टम सा बना रखा है। ये देखो इससे भी पता लगता है ना, इसमें भी वो ही बना रखा है देखने के लिए। दिल्ली में ऐसा बना रखा है ना। ये सारा वही है, हमें तो पता नहीं है क्या क्या है ये। टाइमिंग वगैरह देखने के लिए बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिली वहाँ पर। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा ही सेम बाहर बना रखा है। यहाँ पूरी टेग्नोमेंट्री लगा दी गई हमको लगता है। चलो जंतर मंतर जयपुर, वो साइड में दिख रहा है ना छोटा छोटा सा, वो राशि है। राशि देखने के लिए भी बना रखा था उन्होंने, बहुत सुंदर है ये। काफ़ी सुंदर था ये बना हुआ। दिल्ली में इतना अच्छा नहीं बना है, मतलब इतनी सारी चीज़ें नहीं बनी हैं जितना कि यहाँ पे बना हुआ। हम लोगों को तो पता भी नहीं है क्या क्या है ये। ये देखो पूरा इसके नीचे भी आप जा सकते हो। ऊपर कैसे जाएंगे, इतनी तो धूप हो रही है। और धूप भी क्या टॉप की हो रही थी, कड़ाके की धूप हो रही थी, इस वजह से हमने ये कैप लिया। ये देखो इधर से निकल के आ गए हम दूसरी साइड से। ये देखो रात का, ये जिसको भी अपनी अपनी राशि देखने को अगर वो था ना तो राशि भी देख सकते हैं। आठ नंबर की राशि होगी।
सिंह है, चढ़ के खुद भी देख सकते होंगे ये ऊपर है ना, सीढ़ी बना रखी इसलिए। सारे में पूरी वाले अंदर से आते और फिर यहाँ पे देखने के बाद में हम चले गए थे जल महल के लिए। ये देखो क्या क्या चीजें बना रखी थी, समझ में नहीं आ रहा इससे कैसे क्या देखेंगे, क्या है क्या नहीं है, मुझे तो आइडिया नहीं है। आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। ये देखो कैसे कैसे बना रखा था, क्या क्या बना रखा था, आइडिया नहीं है। कोई सा यंत्र है ये, नो एंट्री। और फिर हम लोग जल महल के लिए निकल गए तो ये रहा जल महल। यहाँ पे हम लोगों ने फोटो वगैरह लिए थे और अंदर जाने को नहीं मिलता है, बोट वगैरह भी नहीं जाता क्योंकि दो चार लोग डूब गए थे ऐसा बोला था उसने, पहले जाते थे, अभी तो बाहर से ही देख सकते हैं। देखो कितना सुंदर है ये, ऊपर छोटे छोटे पेड़ भी लगे हुए हैं जल महल के ऊपर। चलो हमने देखा नहीं था कभी, तो हमने भी पहली बार जल महल देख लिया, आप लोग भी देखिए। और फिर हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं, फोटो नहीं खींच रही हो, आमेर का किला देखने के लिए जाते हैं हम लोग। लेकिन ज्यादा नहीं है, वो सफाई कम थी। और हम लोग निकलते हैं आमेर का किला देखने के लिए। सूखे सूखे पहाड़ पर कीकर खड़े हुए, हरियाली तो बिल्कुल भी नहीं होती है राजस्थान में, जयपुर में भी हरियाली है। लोग कहते हैं थोड़ी बहुत हरियाली जयपुर में देखने को मिलती है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी हरियाली नहीं है, सारे पेड़ सूखे सूखे से खड़े हुए। और बस हम पहुँचने वाले ही थे आमेर के किले पर। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, और ये गाड़ियाँ जो खड़ी हैं ना ये किले तक पहुँचा देती हैं, 550 रुपये लेते हैं ये, चाहे सिंगल जाओ चाहे चार लोग जाओ। वो किला दिख रहा है दूर से, बहुत सुंदर है ये किला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।